बिग बॉस के घर से निकाले गए लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार ने जियो सिनेमा को ऐसा सबक सिखा दिया कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वो कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि चार लोग याद रखे। सोशल मीडिया पर वायरल रहने वाले पुनीत सुपरस्टार ने जो किया उसे चार लोग ना सही लेकिन अरबपति मुकेश अंबानी का जियो सिनेमा ऐप पक्का याद रखेगा। कुछ महीनों पहले फ्री में आईपीएल दिखाने वाले जियो सिनेमा को जिस जनता ने खूब दुआएं दी, अब उसी जनता ने जियो सिनेमा को जमीन पर पटक दिया है। कसूर बस इतना था कि बिग बॉस भी फ्री में दिखा दिया। वहीं बिग बॉस जिससे सोशल मीडिया के चहेते पुनीत सुपरस्टार को 24 घंटे में ही बाहर कर दिया था, अब हम इंडियंस तो बॉयकॉट के उस्ताद हैं ही। फिल्म से लेकर कपड़ों तक सब बॉयकॉट कर सकते हैं। इस बार लपेटे में अंबानी साहब का जियो सिनेमा ऐप आया है। आईपीएल में जिसे जनता ने 5-स्टार रेटिंग तक पहुंचाया, उसे पुनीत सुपरस्टार के फैंस ने 1 स्टार पर लाकर पटक दिया है। पूरा माजरा क्या है बताएंगे इस वीडियो में। बात उन दिनों की है जब बिग बॉस ओटीटी का दूसरा सीजन शुरू हुआ था। घर के मेहमान बनकर आए पुनीत कुमार, जिन्हें सोशल मीडिया पर लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार के नाम से जाना जाता है। ये जनाब लॉर्ड और सुपरस्टार क्यों है, इसकी वजह तो हमें भी नहीं पता, मगर उनके चाहने वाले यही कहते हैं। बतौर कंटेस्टेंट इस बार पुनीत भी बिग बॉस का हिस्सा बने। इनको बिग बॉस के घर से पहले ही दिन बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अजीबोगरीब हरकतें करने वाले पुनीत ने बिग बॉस के घर में जाते ही पहले दिन सारा टूथपेस्ट अपने चेहरे पर तो शैम्पू सिर पर लगा लिया। इतने से मन नहीं भरा तो बिग बॉस को ही ललकार दिया। फिर जो हुआ वो तो आपको पता ही है। पुनीत ने बिग बॉस के घर से ही लोगों से बिग बॉस ना देखने की अपील कर डाली। बिग बॉस के घर से बाहर आकर पुनीत ने सोशल मीडिया पर लाइव अपने फैंस से जियो सिनेमा की रेटिंग गिराने की अपील कर डाली, क्योंकि जियो सिनेमा ही बिग बॉस को 24 घंटे लाइव स्ट्रीम करता है। जनता ने पुनीत की बात मानी और जियो सिनेमा को 5 स्टार से सीधा 1 स्टार कर दिया। इतना बुरा हाल तो पिछली दफा स्नैपचैट का भी नहीं हुआ था। स्नैपचैट की रेटिंग गिराने के चक्कर में लोगों ने स्नैपडील की भी रेटिंग गिरा दी थी। अब खैर पुरानी बातों को मिट्टी डालते हैं और आपको लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार के बारे में बताते हैं। इनका असली नाम प्रकाश कुमार है, लेकिन रील देखने वाली ऑडियंस के बीच लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार के नाम से जाने जाते हैं। बिहार के रहने वाले हैं, अपनी प्राइवेट नौकरी से खुश नहीं थे तो नौकरी छोड़ दी और टिकटॉक पर रील्स बनाने लगे। एक दिन में 50-50 वीडियोस तक डाल देते थे। फैंस की फहरिस्त से तो आप वाकिफ ही है ही। पुनीत दावा करते हैं कि अपनी कमाई का आधा हिस्सा वो गरीबों में दान करते हैं। शायद यही वजह है कि उनके फैंस उन्हें लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार कहकर बुलाते हैं। पुनीत सुपरस्टार के बारे में जनता का क्या कहना है आइए बताते हैं। एक यूजर ने लिखा, ये आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वहीं एक और यूजर ने लिखा, जियो सिनेमा का प्ले स्टोर पर रेटिंग देख लो। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, बेवकूफी को टैलेंट समझता है ये। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, अच्छा ठीक है समझ गया, झुक के रहना पड़ेगा पुनीत के सामने। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, देख लो कुछ भी हो सकता है, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। वहीं एक और यूजर ने लिखा, पुनीत सुपरस्टार को लॉर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बंदा गरीबों को दान कर देता है। वैसे तो पुनीत के पहले भी काफी फैंस थे, लेकिन बिग बॉस वाले कांड के बाद उनकी पॉपुलैरिटी आसमान पर पहुंच गई है। पुनीत के समर्थन में लगभग 20 लाख लोगों ने जियो सिनेमा को 1 स्टार रेटिंग दी है और ऐप की ओवरऑल रेटिंग अब 1.2 स्टार पर आ गई है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि सोशल मीडिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे।